हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज इरेन फ्रॉम dcaptech.com। और गाइस, आज के इस एपिसोड में सीखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप लाइव चैट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड बॉटम में, ये इस पे जैसे क्लिक करते हैं हम, तो अब यहाँ पे आ जाता है। देखिए, आपका वेब व्हाट्सएप ओपन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका वेब व्हाट्सएप अगर ओपन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तब आपको ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन करने में दिक्कत होगी और आपका मोबाइल पे इजीली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मैसेज करेंगे डायरेक्टली कि हमें इस पे मैसेज करना है। तो देखिए, यहाँ से अब डायरेक्टली, अब देखिए यहाँ पे जो भी है, अब जिस बंदे की साइट पे जाते हैं, यानी कि कोई क्लाइंट आपकी साइट पे आता है, तो वो इस पे क्लिक करके आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है। तो अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे, क्या आप ऐड करा सकते हैं अपनी वेबसाइट में? देखिए, वेबसाइट आपकी HTML हो या फिर आपकी कोई वर्डप्रेस हो, कोई भी हो, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं इजिली। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हेलो है, आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये लाइव चैट का हो गया। अभी जस्ट इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा HTML जस्ट अभी वेबसाइट रेडी नहीं है, beevlogger.com। तो अभी कमिंग सून पड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया है। अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्डप्रेस पे। ओके, तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप जो है अपना वो ओपन कर लेना होगा यहाँ पे। और ओपन करने के बाद में आपको एक काम करना है, whatshelp.io टाइप करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे स्लैश करके विजिट कर दो। ओके, सो आप विजिट जैसे ही करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे मैसेंजर दे रहा है, तो हमें यहाँ पे व्हाट्सएप का चाहिए। तो यहाँ पे मैसेंजर भी है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनका भी आप लाइव ऐड कर सकते हो। बट हमें करना क्या है, व्हाट्सएप करना। तो व्हाट्सएप को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे, जिस भी कंट्री से होंगे, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो +91, फिर अपना नंबर डालेंगे, जो भी होगा, जो आपको व्हाट्सएप नंबर हो, जिस पे चाहते हैं कि कोई आपका जो भी क्लाइंट है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से कॉन्टैक्ट करे आके। आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। ओके, अब इसके बाद में नीचे आना थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप इसकी मैसेज भी आप देख सकते हो कि क्या मैसेज शो होगा आके, और लेफ्ट में करना चाहते हो या फिर राइट में करना चाहते हो। देखिए, यहाँ पे पोजिशनिंग उसकी दिखा रहा है बटन की। और उसके बाद में यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का दिया हुआ है मैसेज, अस का उस पर लिख के आएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे सीधा सा काम है उसको जनरेट करने का। तो यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे अपनी, जो भी आपकी ईमेल हो, dhiren@gmail.com। ओके, अब यहाँ पे गेट बटन। तो अभी यहाँ पे गेट बटन कोड हमें मिल चुका है। अभी क्या करें, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस प्रकार का बटन शो हो लाइव चैट का, तो वहाँ वहाँ पे आपको ये जो कोड है वो बॉडी टैग क्लोज होने के पहले पहले आपको पेस्ट कर देना होगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए। अभी इसके बाद में हम आते हैं अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे, और देखिए अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ अगर शो रहा होगा तो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे कोई भी बटन अभी यहाँ पे राइट साइड में नहीं दिख रहा है। ओके, सो अभी एक काम करते हैं। देखिए, यही वाला कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ये हमारा जो बॉडी टैग है वो क्लोज हो रहा है, और यही सेम कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसको पेस्ट करने के बाद में तो ये HTML वेबसाइट पे तो कोड शो हो रहा है, तो आपको पता ही हो गया होगा। कोड पेस्ट करने के बाद में व्हाट्सएप आइकन शो हो रहा है और उससे चैट भी हो रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, सो अब इसके बाद में हमारा वर्डप्रेस पर टेस्टिंग का टाइम है। तो अब वर्डप्रेस पर टेस्टिंग का टाइम है, तो यहाँ पे आते हैं। और अब देखिए, हम कोड पे जाके भी एडिटर पे जाके हम इसको आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल सा एक मेथड बता रहे हैं। एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में ये कोड हम वहाँ पे पेस्ट करा देंगे। अब यहाँ पे आएंगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ओके, ये आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। ओके, आपको सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे आना है। ओके, अब आपको यहाँ पे आने के बाद में आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, ये देखिए, दीज स्क्रिप्ट विल बी प्रिंटेड अबव द कोड, बॉडी टैग के पहले प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे आके, और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, अभी इसको हम सेव करते हैं, और थोड़ा सा टाइम ले लेगा सेव होने में, नेट थोड़ा सा हल्का सा स्लो है। ओके, ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं आके, कंटिन्यू
कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस करके, और यहाँ पे देखते हैं कि राइट साइड में आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए चैट का, जो व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन आ चुका है। अब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो अब बोलेगा कि ऑन व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए। अब डायरेक्टली आपसे वो कांटेक्ट कर पाएगा, जो भी आपका विजिटर होगा, जो भी आपका क्लाइंट होगा। इससे क्या होगा कि डील अच्छी हो सकेगी, आपका जो उसका कांटेक्ट नंबर होगा आपके पास आ जाएगा, आपका उसके पास चला जाएगा और आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। आई होप कि गाइज आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट अपनी वेबसाइट में करिए, वर्डप्रेस, एचटीएमएल, जो भी है। कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।